21वीं सदी में हमारा विज्ञान हमारी सोच इतनी आगे होने के बावजूद भी हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले के रामा गांव के अंदर लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास है कि लोग अपने हर इलाज के लिए झाड़ फूक करने वाले लोगों के यहाँ जाकर अपने स्वास्थ्य को गंभीर स्थिति में लेके आते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस तरह लोग अंधविश्वास में आकर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करते हैं। रामा गांव में लोगों के अंदर अंधविश्वास कैसे है? पीलिया एक जो रोग होता है उसके लिए दूर दूर से गांव से उसको सही करवाने के लिए आते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि उनको पीलिया हो रहा है, तो जैसे कि झाड़ फूक करने वाले होते हैं तो वो पीलिया उनके पास में सही करवाने के लिए आते हैं। थोड़ी में तिल का तेल लेके उसको ज़्यादा देर तक हिलाते हैं तो उससे क्या वो उसका नेचर रहता है कि वो पीला पड़ जाता है, तो उससे क्या लोगों की विश्वास है कि हम ये पीलिया हमारा सही हो रहा है, पीलिया कम पड़ने की जगह बिल्कुल बढ़ता रहता है। सर कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं इस गांव में? ये 5-6 जने। कितने पैसे लेते हैं पीलिया वाले पीले देखने के? कोई 50 रुपये लेता है, कोई 30-40 रुपये लेता है। सर हमारा जो पास में जो गांव है उसका वो गांव का लड़का चंपालाल है, तो उसका क्या है कि उसने पीलिया स्टार्टिंग में जब वो बीमार हुआ था फर्स्ट बार में उसने पीलिया मंत्रवाया था, तो उससे क्या उसको आराम नहीं पड़ा, तो उसने क्रमशः 3-4 बार पीलिया मंत्रवाया तो उसकी हालत काफ़ी मतलब ख़राब हो गई सर। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वो आराम पड़ा और फिर ठीक हुआ। इस तरह का पीलिया है तो वो सीधे अस्पताल में जाना चाहिए, न कि झाड़ फूक और अंधविश्वास से रहकर इन लोगों के पास में जाए और ज़्यादा अपना रोग बढ़ाए। जो मैंने वीडियो बनाया है इस वीडियो को लेकर मैं गांव में दिखाऊंगा ताकि लोगों के अंदर अंधविश्वास ना हो। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से यही अपील करता हूं कि वो भी किसी अंधविश्वास में ना पड़े और अपना इलाज स्वास्थ्य केंद्र पे कराए ताकि उनका इलाज सही समय पे हो सके। मैं शंभुराज तंवर उदयपुर जिले के रामा गाँव से इंडिया अनहट के लिए।